अभी आपको बताएं, कराची के इलाके ईसा नगरी के इलाके में खाली प्लॉट से मुर्दा हालत में मिलने वाली 5 साल बच्ची मरवा से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस ने 13 मुश्तबा अपराध को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत मुश्तबा अपराध का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमसन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाकये का नोटिस ले लिया है। एमएलओ जिना अस्पताल डॉक्टर जकिया ने 5 साल मरवा से ज्यादती की तस्दीक की है। उनका कहना है कि बच्ची को सर पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया। लाश खराब होने के बाद फूल गई थी। बच्ची के जिस्म में झुलसने के कोई निशान मौजूद नहीं। बच्ची को ज्यादती के बाद वजनी चीज सर पर मारकर कत्ल किया। पुलिस ने 13 मुश्तबा अपराध को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अपराध से पूछताछ और घरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। जेरे हिरासत मुश्तबा अपराध का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। बच्ची के वालिद का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बच्ची के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे इबरत का निशाना बनाया जाए। दूसरी जानिब मकतूल बच्ची के लवाहिकीन से ताजियत के लिए सिंध असेंबली में कायदे हिस्प इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी समेत सूबाई असेंबली के अरकान भी पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में पहुंचे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमसन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर देने के वाकये का नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल बच्ची से ज्यादती और फिर उस मासूम का कत्ल इंसानियत सोज वाकया है। सिंध पुलिस मुजरिम तक पहुँचे और उसे कैपरे किरदार तक पहुँचाए। केस की तफ्तीश को हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए।